हे गाइस, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल फैक्ट्स विद ट्रैवल रानी में। मैं आपका दोस्त ट्रैवल रानी आपका स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल में। आज हम आए हुए हैं नागरधन किला देखने। नागरधन किला नागपुर से लगभग 50 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है और रामटेक से लगभग 7 किलोमीटर की दूरी पर है। हालांकि पर्यटक अक्सर रामटेक आते हैं लेकिन वो इस किले को देखने से चूक जाते हैं। भारतीय पुरातत्व विभाग ने 2012 में इस किले की मरम्मत और रखरखाव की परियोजना शुरू की। इस किले में एक गुप्त कक्ष मंदिर है जो कि किले का विशेष आकर्षण भी है। मध्य प्रदेश के उज्जैन प्रांत के शासक ने महाराष्ट्र के विदर्भ क्षेत्र का शासन अपनी पुत्री प्रभावती को सौंप दिया। इस प्रांत में प्रबंधन और प्रशासन के लिए महान प्रसिद्ध कवि कालिदास को उनके सहयोगी के रूप में नियुक्त किया गया था। उस समय उन्हें इसी किले में ठहराया गया था। यहाँ की लोक कथाओं के अनुसार ये कहा जाता है कि रामटेक पहाड़ियों पर स्थित इस किले से देखी गई पहली बारिश के दौरान कवि कालिदास को अपने गृह क्षेत्र उज्जैन की याद आ गई थी, जिसने उन्हें प्रसिद्ध काव्य मेघदूत लिखने के लिए प्रेरित किया। नागरधन वकाटक वंश की राजधानी थी। तब से यानी 5वीं से 18वीं सदी तक इस किले पर कब्जा रहा। किले के अलावा पूरे के पूरे गांव में कई ऐतिहासिक अवशेष बिखरे हुए हैं। चलो जानते हैं नागरधन किले की हिस्ट्री के बारे में। स्थानीय लोक कथाओं के अनुसार ये किला 4 से 5 शताब्दी के बीच राजा नंदीवर्धन ने बनाया था और इसके चारों ओर शहर बसाया था। उन्होंने कई मंदिर और झीलें भी बनवाई। स्वामीराज और वटकश के शासनकाल के दौरान इस स्थान को बहुत अधिक राजनीतिक महत्व प्राप्त हुआ। राष्ट्रकूट शासन के वक्त ये क्षेत्र जिला मुख्यालय बन गया। बाद में गोंड राजा ने मौजूदा संरचनाओं पर किले के निर्माण का विस्तार किया। जब पेशवाओं का शासन था तब नागपुर के राजा भोसले ने किले का नवीनीकरण कराया। इसकी किलेबंदी की दीवार में बने बुरुजों का विभिन्न प्रकार और आकार, इनका निर्माण अष्टकोणीय, वृत्ताकार और वर्गाकार आकृतियों में किया गया है।
किला नुमा दीवार लगभग 6 से 8 मीटर ऊंची है और इसमें संकरी खिड़कियां दी गई हैं। दीवार से सटा हुआ लगभग 3 से 4 फीट चौड़ा एक छोटा मंच बनाया गया है जिसका उपयोग किले की परिक्रमा करने के लिए किया जा सकता है। नागरधन किला, इतने सारे औजार मिले हैं यार, नीचे जा सकते हैं, चलते चलो। पहले तो कुछ भी नहीं था, मतलब यहाँ चल रहे चल। मतलब ये कुआं भर भी जाता होगा तो ये यहाँ तक आता होगा, है ना? ये कुआं कभी ओवरफ्लो भी हो जाए, मतलब सोच, ये है भाई कुआं, ठीक है, इसमें है पानी, मतलब पेड़ पौधे, मतलब सही चीज़ है। देखिए यहाँ तक भी अगर पानी भी आ गया है, मतलब पहले से लोग कितना ज़्यादा सोचते होंगे देख पानी रिस्टोर करने के लिए, क्योंकि बहुत ज्यादा पानी रिस्टोर हो जाता है। ये भी बनी है ना करने के लिए? कहाँ बनी है? लेकिन पकड़ने के लिए ये नहीं है, सीढ़ियाँ भी बनी हुई है करने के लिए। यार रस्सी बांध के उतरते होगे शायद पहले, वो खुद ये है तो ये। वो देखो उन्होंने ऐसे दो क्यों दिया होगा क्या? वही मतलब
चलो भाई, भाई तू आ रहा है, मजाक कर रहा है ये। अरे हाँ, ये बहुत ही ऊंची सीढ़ी है भाई, चढ़ने में लग जाए। कौन आ रहा है, दिखेगा क्या? नहीं यार, दिख जाता होगा ना कि कोई अगर आया तो। चारों तरफ रखे देखने के लिए। कितने सिपाही होते होंगे देखने इसमें, जितने नजर दिए। यहाँ से देखते होंगे भाई गाड़ी, ये देख, क्योंकि यहाँ से दिखता है पूरा सीन। इसमें क्या होता होगा, ये लॉक क्यों लगा होगा? भाई इसमें देख लॉक लगा है। उत्तर की ओर मुख्य वाला किले का जो प्रवेश द्वार है वो लगभग 12 फीट ऊंचा है, जिसके ऊपर एक बारूद कक्ष है। सो गाइज, आई होप आपको ये वीडियो और प्लेस पसंद आया होगा। अगर आपको ऐसे ही प्लेस घूमने हैं तो हमारे चैनल को कर दो सब्सक्राइब, और ऐसे ही वीडियोस के लिए देखते रहिए हमारे चैनल फैक्ट्स विद ट्रैवलर एनिमी।